इस एक चीज ने मेरे जो है ग्रे हो रहे सफेद हो रहे बाल को बिल्कुल नेचुरली काला कर दिया दोस्तों। मेरे बाल हो गए हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, मुलायम, लंबे, काले घने। और अगर आप भी पाना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर काले घने बाल, तो दोस्तों आज का ये बहुत ही इजी और सिंपल सा टिप्स जरूर ट्राई कीजिएगा अपने बालों के लिए। तो दोस्तों आज के इस टिप्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको लेना है आपके घर से, आपके किचन से चाय का पत्ती। चाय का पत्ती के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि इसके कितने सारे फायदे होते हैं। घरेलू नुस्खा की बात करो तो बहुत सारे इसके यूज होते हैं हमारे ब्यूटी टिप्स में, हमारे घरेलू उपाय में, हमारे बालों के लिए। तो दोस्तों आपको भी समझना चाहिए, ट्राई करना चाहिए और आपके घर में चाय का पत्ती रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हर घर में लोग चाय पीते ही पीते हैं, लेकिन चाय पीने के अलावा इसके इतने सारे यूजेस होते हैं कि आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा दोस्तों। तो आपको सबसे पहले सामग्री लेनी है चाय का पत्ती। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, एक बर्तन में कम से कम एक ग्लास आपको पानी रखना है। एक ग्लास छोटे वाले ग्लास से हो, बड़े वाले ग्लास से हो, मतलब मीडियम साइज का इस तरीके का ग्लास ले ले, उसमें आपको एक ग्लास पानी लेना है। और दोस्तों इस पानी में आपको डाल देना है एक चम्मच के आसपास चाय का पत्ती। चाय का पत्ती का तो मैंने अभी आपको गुण बताया है कि इसके कितने सारे बेनिफिट होते हैं हमारे बालों को लेकर के। तो दोस्तों एक चम्मच यहाँ पे आपको डाल देना है चाय का पत्ती। तो इसको काफी अच्छे से आपको उबालना है दोस्तों। आप देखिएगा कि चाय का कलर जो है बहुत ही जल्दी पानी में जाने के साथ ही अपना कलर छोड़ता है। और दोस्तों यही कलर जो है हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है, हमारे बालों में बहुत ही अच्छा कलर ऐड करता है दोस्तों। तो बस इसको काफी अच्छे से आपको उबालना है। उबालने के लिए गैस आप तेज भी रख सकते हैं, आप मीडियम भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको इसको अच्छे से खौलाना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल आधी क्वांटिटी पे चला गया है। ये देखिए और चाय पत्ती का रंग देखिए कितना जबरदस्त आया है। जब इस रंग को आप अपने बालों में लगाओगे तो दोस्तों आपके बाल की खूबसूरती इतनी अच्छी हो जाएगी, बाल इतने चमकदार और इतने बढ़िया हो जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ भी हमारा पानी बहुत ही अच्छे से कलर में आ चुका है, तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। और दोस्तों हल्का सा हम यहाँ पे जो है पानी को ठंडा होने देंगे, क्योंकि कोई भी चीज आपको बालों में गरम गरम नहीं लगानी चाहिए। तो पानी को अच्छे से ठंडा होने के लिए इसी में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छे से यहाँ पे हल्का सा ठंडा करने के बाद आपको चाय छन्नी की मदद से काफी बढ़िया से जो है इस पानी को छान लेना है दोस्तों। फ्रेंड्स इस पानी को आपको काफी अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा अपने DIY जो भी बनाते हैं हमेशा बालों में ठंडा करके ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस पानी में आपको अब क्या मिलाना है, आपको मिलाना है आपका फेवरेट शैम्पू। जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उसको जरूर ट्राई करिएगा। मैं जो भी शैम्पू मिलाती हूँ उसको वीडियो में जरूर बताती भी हूँ दोस्तों, जो भी यूज करती हूँ मैं। तो दोस्तों आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये हमारा जोंक शैम्पू, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और ये आपको आराम से मिल जाएगा। जहाँ पे भी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ वहां पे लिंक भी जरूर डालती हूँ जो भी शैम्पू यूज करती हूँ। तो शैम्पू दोस्तों आपका फेवरेट कोई भी शैम्पू ले लें जो कि कम केमिकल वाला हो, जिससे आपको ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो एक चम्मच दो चम्मच अपने बालों की लेंथ के हिसाब से शैम्पू रखें। और ये वाला शैम्पू इतना अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इसको शैम्पू डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे बालों को काफी अच्छा बढ़िया सा जो है कलर भी ऐड करता है, बालों में जो शाइन ऐड करता है, बालों की कलर को ये दोस्तों मेंटेन करके रखता है। इसको मिला करके काफी अच्छे से आपको यहाँ पे जो अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। फ्रेंड्स अपने बालों को साफ करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को हल्का सा गीला कर ले, क्योंकि गीले बाल में ही आप शैम्पू कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने DIY अभी बनाया है इसी से अपने बालों को शैम्पू करें। दोस्तों शैम्पू करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग जल्दी से शैम्पू करके जल्दी से पानी से धो लेते हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि जब शैम्पू डालें, इतना मेहनत किए हैं, DIY बनाया है, उसका कुछ तो फायदा आपके बालों को पहुंचना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको शैम्पू लगा करके कम से कम वेट करना चाहिए 10 मिनट तक। 10 मिनट तक अच्छे से शैम्पू लगा ले बालों में, लगा रहने दे और उस दौरान आप कोई भी काम करे, कपड़े वॉश कर ले और अपने स्किन को वॉश कर ले, अपने पैरों को साफ कर ले,
कोई भी काम करे लेकिन 10 से 15 मिनट तक अपने बालों में जरूर लगा रहने दे शैम्पू, ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो कलर है, शाइन है, वो आपके बालों में आ जाए। शैम्पू के बेनिफिट्स आपके बालों को मिले और आपके बालों के जो डैंड्रफ की समस्या है उसको जो है खत्म करे। तो इतनी जो है देर आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है नॉर्मल पानी से वॉश करना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट तक वेट करें, उसका नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। और दोस्तों वॉश करने के बाद जो है दोस्तों आप इसको अच्छे से ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, करके देखिए। और पहली बार के इस्तेमाल से आपको फर्क नजर आएगा, बालों की जो एक अलग सी जो चमक है वो आएगी, बालों की जो जब टच करोगे ना इतना बढ़िया सा टच आएगा, सॉफ्टनेस वाला फीलिंग आएगा, बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर मुलायम खूबसूरत हो जाएंगे दोस्तों। कुछ दिन में ही आपके बालों की चमक वापस आ जाएगी, शाइन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल जो पार्लर वाला जो केराटिन ट्रीटमेंट वाला शाइन होता है वैसा।